औद्योगिक मोटर्स और इसके अनुप्रयोग भाग एक, अर्थात आज हम ये जानेंगे इंडस्ट्रियल मोटर क्या होती है और इसे किस किस एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। कार्य की मूल बातें, शक्ति, बल, बलागुण, कार्य अथवा वर्क। जब किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी दिशा में कुछ परिवर्तन आता है, तब वह वर्क माना जाता है। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर और जूल। शक्ति अर्थात पावर। पावर से हमें किसी कार्य करने में कितनी ताकत लगी है यह पता चलता है। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। बल अर्थात फोर्स। बल वह कारक है जो किसी भी रुकी हुई अथवा थमी हुई वस्तु में परिवर्तन ला सकता है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एसेलरेशन। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। बलागुण अर्थात टॉर्क। यह वह शक्ति है जो रोटेशन का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी पानी के हैंडल को खींचते या धक्का देते हैं तो टॉर्क उत्पन्न होता है जो कि नट या बोल्ट को ढीला या कसता है। द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। इलेक्ट्रिक मोटर एक विद्युत मशीन है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अर्थात यह वह इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मोटर डीसी या एसी की हेल्प से टॉर्क उत्पन्न करता है। मोटर एक सक्रिय उपकरण है, अर्थात यह एक एक्टिव डिवाइस है। मोटर टॉर्क इज इक्वल्स टू किलोवाट इंटू 9550 अपॉन मोटर आरपीएम। तो मोटर टॉर्क और मोटर किलोवाट के सीधे अनुपातिक है और मोटर टॉर्क मोटर आरपीएम के विपरीत अनुपातिक है। अर्थात मोटर टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोटर टॉर्क एंड मोटर टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोटर आरपीएम। एनएस इज इक्वल्स टू 120 एफ बाई पी। यहाँ एनएस मोटर की रेटेड स्पीड, एफ फ्रीक्वेंसी, पी नंबर ऑफ पोल्स ऑफ मोटर है। उदाहरण के तौर पे 50 हर्ट्ज पर 1 किलोवाट 4 पोल इंडक्शन मोटर में एनएस 1500 आरपीएम होगा और 50 हर्ट्ज पर 1 किलोवाट 4 पोल इंडक्शन मोटर में टीएम 6.36 न्यूटन मीटर होगा। इलेक्ट्रिक मोटर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर काम करती है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमें फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन का पता चलता है। थंब हमें फोर्स की डायरेक्शन बताता है, इंडेक्स फिंगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है और मिडिल फिंगर हमें करंट की डायरेक्शन बताता है। बेसिकली मोटर 2 प्रकार की होती हैं, सिंक्रोनस मोटर अर्थात तुल्यकालिक मोटर, असिंक्रोनस मोटर अर्थात अतुल्यकालिक मोटर। सिंक्रोनस मोटर में रोटर की स्पीड और स्टेटर की स्पीड दोनों सेम होती है। सिंक्रोनस मोटर की स्पीड 3600 आरपीएम या 1800 आरपीएम होती है। असिंक्रोनस मोटर में रोटर की स्पीड स्टेटर की स्पीड से कम होती है। असिंक्रोनस मोटर की स्पीड 3450 आरपीएम या 1740 आरपीएम होती है। मोटर के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ मोटर। बेसिकली मोटर के 2 प्रकार होते हैं, अतुल्यकालिक मोटर अर्थात असिंक्रोनस मोटर, तुल्यकालिक मोटर अर्थात सिंक्रोनस मोटर। अतुल्यकालिक मोटर के उदाहरण हैं प्रेरण मोटर, तुल्यकालिक मोटर के उदाहरण हैं रैखिक मोटर, बीएलडीसी मोटर, स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर। प्रेरण मोटर अर्थात इंडक्शन मोटर। प्रेरण मोटर एक अतुल्यकालिक मोटर है अर्थात असिंक्रोनस मोटर है। असिंक्रोनस मोटर में रोटर की स्पीड स्टेटर की स्पीड से कम होती है। एनएस इज इक्वल्स टू 120 एफ बाई पी। यहाँ एनएस मोटर की स्पीड, पी नंबर ऑफ पोल्स ऑफ मोटर, एफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मोस्टली 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज होती है। मोटर की स्पीड मोटर के पोल पर निर्भर करती है। 4 पोल मोटर की स्पीड 1500 आरपीएम होती है। 2 पोल मोटर की स्पीड 3000 आरपीएम होती है। 8 पोल मोटर की स्पीड 750 आरपीएम होती है। इंडस्ट्रीज में अधिकतर 4 पोल मोटर का इस्तेमाल होता है। इंडक्शन मोटर को असिंक्रोनस मोटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ईएमएफ की स्पीड और रोटर की स्पीड में एक अंतराल होता है जिसे स्लिप कोण अर्थात स्लिप एंगल कहते हैं। इंडक्शन मोटर में रोटर और स्टेटर में एक वाइंडिंग होती है जिसके कारण
रोटर में बहुत इनर्शिया पैदा होता है, जिसके कारण रोटर की स्पीड स्टेटर की स्पीड से कम होती है। मेन पार्ट्स ऑफ मोटर। मोटर के दो मेन पार्ट्स होते हैं, स्टेटर और रोटर। स्टेटर मोटर का एक स्थिर हिस्सा है। स्टेटर इज अ स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मोटर। स्टेटर के मेन पार्ट्स हैं आउटर फ्रेम, स्टेटर कोर, स्टेटर वाइंडिंग। रोटर, रोटर मोटर का घूमता हुआ भाग है। रोटर इज द रोटरी पार्ट ऑफ द मोटर। रोटर के मेन पार्ट्स हैं रोटर वाइंडिंग और रोटर कोर। स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के हमारे पास दो मेथड है, बाय चेंजिंग द मोटर स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी। मोटर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल्स। अगर पोल्स पहले से ही फिक्स्ड हैं तो जब हम फ्रीक्वेंसी बदलेंगे तो मोटर की स्पीड भी चेंज हो जाएगी। उदाहरण के लिए फोर पोल इंडक्शन मोटर में 50 हर्ट्ज स्पीड पर 1500 आरपीएम मिलेगी, 25 हर्ट्ज पर 750 आरपीएम मिलेगी, 10 हर्ट्ज पर 300 आरपीएम मिलेगी। इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण टू, इंडक्शन मोटर स्पीड कंट्रोल मेथड टू। इंडक्शन मोटर की स्पीड वीएफडी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या इन्वर्टर द्वारा बदली जा सकती है। वीएफडी फ्रीक्वेंसी को बदलता है, जिसके कारण मोटर की डिफरेंट स्पीड प्राप्त होती है। जैसा कि फ्रीक्वेंसी डायग्राम में दिखाया गया है, इंडक्शन मोटर 10 हर्ट्ज से 70 हर्ट्ज के बीच काम करती है, लेकिन 70 हर्ट्ज के बाद टॉर्क घटना शुरू हो जाता है। कम फ्रीक्वेंसी पर मोटर की स्पीड कम होगी, जिसके कारण रोटर से जुड़ा हुआ कूलिंग फैन धीरे चलेगा और मोटर गर्म हो जाएगी। मोटर को ठंडा करने के लिए फोर्स कूलिंग का उपयोग किया जाता है, जिसमें फैन की स्पीड इन्वर्टर से स्वतंत्र होती है। इंडक्शन मोटर के फायदे, एडवांटेज ऑफ इंडक्शन मोटर। कम लागत, इजी वायरिंग, इजी अवेलेबल, ब्रेक एंड विदाउट ब्रेक दोनों में अवेलेबल। इंडस्ट्रीज में IE3 इंडक्शन मोटर का यूज होता है। इन इंडस्ट्रीज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल VFD के साथ होता है, क्योंकि वायरिंग इजी होती है। इंडक्शन मोटर के नुकसान, डिसवांटेज ऑफ इंडक्शन मोटर। भारी वजन और बड़ा आकार, नॉट एक्यूरेट स्टॉपेज अचीव, इसलिए रोबोटिक एप्लीकेशन में इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल नहीं होता। नंबर ऑफ स्टार्ट स्टॉप इज 10, 15 स्टार्ट स्टॉप के बाद मोटर ओवरहीट हो जाएगी। बैकलैश ऑफ इंडक्शन मोटर इज 30-60 आर्क मिनट। 1 आर्क मिनट इज इक्वल्स टू 1/60th ऑफ 1 डिग्री। 60 आर्क मिनट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री, इसलिए हम कह सकते हैं इंडक्शन मोटर में 1 डिग्री का बैकलैश होता है। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। एग्जाम्पल 1, कन्वेयर एप्लीकेशन। एग्जाम्पल 2, ATC मशीन। एग्जाम्पल 3, इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इंडक्शन मोटर इज यूज विद गियर बॉक्स। एग्जाम्पल नंबर 4, इन पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग मशीन। वीडियो ऑफ इंडक्शन मोटर विद VFD। इंडक्शन मोटर बाय यूजिंग VFD। ओके, नाउ वी आर यूजिंग वेरिंग इट्स फ्रीक्वेंसी बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। Of induction motor for turntable application. हम निशी जापान इंडक्शन गियर मोटर का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में BLDC मोटर और DC मोटर के बारे में जानेंगे। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ग्लोबल टेक्नोक्रेट्स INC।
थैंक यू सर।